प्रशासक ने महात्मा गांधी को याद किया। प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से पूर्ण होगा बापू के स्वच्छ भारत का सपना। प्रफुल्ल भाई पटेल। नानी दमन जेटे स्थित नगर पालिका उद्यान में आज गांधी जयंती पर आयोजित समारोह में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने कहा, गांधी जी के सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, सदाचार, स्वच्छता और अस्पृश्यता ये ऐसे आदर्श है जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन, समाज और देश को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित कर सकते हैं। गांधी जी की 148वीं जयंती के अवसर पर प्रशासक ने कहा कि गांधी जी की सादगीपूर्ण जीवन शैली हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का स्वप्न एक स्वच्छ भारत का था, जिसको पूर्ण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सफाई अभियान के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करना होगा। प्रफुल्ल भाई पटेल ने कहा कि बापू सादगी भरा जीवन पसंद करते थे और स्वच्छता में विश्वास रखते थे। भारत सरकार ने गांधी जी को सच्चे अर्थों में याद करने के उद्देश्य से स्वच्छता को एक मिशन के रूप में अपनाया गया है। इस दिशा में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। हमें सफाई के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने का प्रयास करना है। जिस तरह लोग अपने शरीर को, अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह अपने गली मोहल्लों एवं शहर को भी स्वच्छ रखने का प्रयत्न करना होगा। उन्होंने कहा कि दमन में भी सफाई अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद तथा ग्राम पंचायतों की भूमिका निश्चित रूप से इसमें काफी महत्वपूर्ण है। सभी मिलजुल कर इस प्रदेश को गंदगी से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हो, तभी यह कार्य संभव हो पाएगा। तो आज ना दिवस मारो इरादो कई लांबी बात करवानो नथी, पूर्ण पूज्य बापू माथी एमना जीवन माथी कई विशेष संदेश ले, एमाथी प्रेरणा ले, नगरपालिका दमण अने जिला पंचायत दमणे खूब निष्ठापूर्वक स्वच्छता ना प्रयास करे। पूज्य बापू नु सपनु हतु, एने कल्पना करी थी कि भारत देश में प्रत्येक खूणे खूणो ए स्वच्छ रहे, पोतानी माहिती नी प्राइवेसी में प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता राखवा माटे नी कोशिश करतो हो। पर सार्वजनिक जगह में अपनी उदासीनता हो एटली वास्तविकता, परंतु पूज्य बापू आ स्वप्न ने साकार करवा माटे अपना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री एक दृढ़ संकल्प करे, मात्र संकल्प नहीं अने धरती पर उतारवा माटे निष्ठापूर्वक प्रयासों करे। आ प्रयास में अनेक लोग जोड़ाया, अनेक क्षेत्र लोग जोड़ाया, सहियारा पुरुषार्थ ना माध्यम से देश स्वच्छ बने, राज्य स्वच्छ बने, जिला स्वच्छ बने, तालुका स्वच्छ बने, गांव स्वच्छ बने, नगर पालिका स्वच्छ बने, जिला पंचायत स्वच्छ बने, शहरी गली स्वच्छ बने, मोहल्ला स्वच्छ बने, एना माटे नो सौ कोशिश करी। मित्रों प्रशंसा ने पात्र है।